मार्केट सरकार ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी में बदलाव को मंजूरी दे दी है, इससे क्या फायदा होगा बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं रोहन। तो रोहन बताएं, यूपी में ईवी की सब्सिडी बढ़ गई है 2027 तक, क्या फायदा होगा इससे? जी दरअसल ये जो पॉलिसी थी ये बनी थी 2022 में, नोटिफाई हुई थी 2023 में, और इसमें एक साल का प्रावधान था सब्सिडी के लिए। सब्सिडी टू व्हीलर के लिए 5,000 रुपए तक और फोर व्हीलर के लिए ये 1,00,000 रुपए तक की सब्सिडी देती थी। कुल मिला के जो फंड था टू व्हीलर के लिए 100 करोड़ का था, जो फोर व्हीलर था उसके लिए 250 करोड़ का था। लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव किया है, क्योंकि ये जो पूरा फंड है ये पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो गया, तो इसकी वैलिडिटी 2027 तक कर दी गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर आप टू व्हीलर या कार खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो आपको सब्सिडी आप 2027 तक ले सकते हैं, बशर्ते जो फंड है ये वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। करीब 2,00,000 के करीब टू व्हीलर्स को सब्सिडी देने की योजना है और लगभग 25,000 के लगभग इलेक्ट्रिक कार्स को सब्सिडी योजना है। एक जो बदलाव किया गया है वो थ्री व्हीलर्स को लेकर है। पहले सब्सिडी थी, अब नहीं होगी, 12,000 तक की सब्सिडी को हटा दिया गया है। लेकिन बाकी जो शर्तें हैं वो वही रहेंगी, बस ये है कि वैलिडिटी बढ़ गई है। पिछले साल अक्टूबर तक ये खत्म हो चुका था, इस साल मार्च तक उसका एक एक्सटेंशन मिला था, और अब जो एक्सटेंशन है 2027 तक कर दिया गया है। कोई भी जो यहां खरीदता है गाड़ी खरीदता है उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, वो इन सब्सिडी स्कीम का फायदा उठा सकता है। शुक्रिया रोहन इस पूरे अपडेट के लिए। सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। आज दूर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टेलीकॉम लीडर्स के साथ एक बड़ी बैठक की। बैठक में आकाश अंबानी और सुनील भारती मित्तल शामिल हुए। सरकार फीडबैक के बाद बड़े रिफॉर्म्स करेगी, इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। तो असीम बताएं, बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए? सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि सरकार टेलीकॉम सेक्टर में बड़े रिफॉर्म करने की तैयारी कर रही है और सरकार ने इसके लिए 6 एडवाइजरी कमेटियां भी बना दी हैं और जल्द ही इन कमेटियों की बैठक होने वाली है। सोमवार को टेलीकॉम मंत्री ने 3 कमेटियों की बैठक ली और मंगलवार को भी दूरसंचार मंत्री ने 3 कमेटियों की बैठक ली। इसके अंदर टेलीकॉम कंपनियों के साथ भी दूरसंचार मंत्री ने बैठक की। इस बैठक में इंडस्ट्री के बड़े लीडर जो है शामिल हुए। आकाश अंबानी, सुनील भारती मित्तल, गोपाल विट्ठल और अक्षय मुंद्रा ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सब ने सरकार के सामने अपना फीडबैक दिया, सरकार को बताया कि वो इंडस्ट्री में किस किस तरह के रिफॉर्म चाहते हैं। सरकार ने अब उनका फीडबैक ले लिया और इस दिशा के अंदर सरकार अब काम करने की शुरुआत काफी तेजी से करेगी। दूरसंचार मंत्री के मुताबिक भारत को टेलीकॉम सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना है और दूसरा भारत को एक सुपर पावर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बनाना, इस दिशा के अंदर काम किया जाएगा और यही लक्ष्य को आगे मान करके सरकार रिफॉर्म्स की दिशा के अंदर काम करेगी।